लायंस क्लब द्वारा हमेशा ही समाज हित में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उसी श्रृंखला में रविवार शनिवार को लायंस क्लब द्वारा समाज के लिए अच्छे कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान महापौर दयाशंकर तिवारी सपत्नीक उपस्थित थे, साथ ही पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंग, छत्रपति राजे मोधोजी भोसले और अन्य मान्यवर मंच पर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का आयोजन लायंस क्लब की विधि झा द्वारा किया गया था। लायंस क्लब एक ऐसा क्लब है जहां समाज के हर तबके के लोगों के लिए उचित कार्य किया जाता है। लायंस क्लब हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन करती है और उसी श्रृंखला में शनिवार को भी ऐसे व्यक्ति विशेष का सम्मान लायंस क्लब द्वारा किया गया जिन्होंने जरूरतमंदों के लिए समाज के लिए अपना योगदान दिया है। यही नहीं, इस दौरान विविध कार्यक्रमों का आयोजन जैसे नृत्य कॉमेडी शो का आयोजन भी किया गया। लायंस क्लब से मेरा पुराना संबंध है और लायंस के प्रत्येक कार्यक्रमों में मैं उपस्थित रहता हूं। यह मेले का आयोजन लायंस ने इस दृष्टि से किया है कि कोरोना के कार्यकाल में ऑनलाइन व्यवसाय करने वालों का तो व्यवसाय अच्छा हुआ, परंतु जो हस्त कारागिर है, जो अपने घर में कारागिरी बना करके बाज़ार में बेचने का काम करते हैं, उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ऐसे कारागिरों को एक छत उपलब्ध करा करके उन्हें बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए लायंस ने इस मेले का आयोजन किया था, जिससे ऐसे सारे हस्तकारागिरों को रोज़गार मिला। इसलिए मैं उसका विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। साथ ही साथ में कोरोना के कार्यकाल में या अपने सामाजिक जीवन में जो लोग उत्कृष्ट काम करते हैं, ऐसे सभी लोगों का आज यहां सत्कार रखा गया। लायंस का एक कम्युनिटी किचन कोरोना के फर्स्ट वेव में चला, जो करीब करीब लगातार 104 दिन कम्युनिटी किचन चला। उस कम्युनिटी किचन का संचालन करने वाले सारे साथियों का भी आज सत्कार है। लायंस जैसी संस्थाओं के कारण ही और अन्य 378 संस्थाओं ने मिलकर के नागपुर शहर में करीब करीब 22 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया था। इसलिए ऐसे स्तुत्व उपक्रम के नागरिकों का सत्कार होना चाहिए, ऐसा मुझे मानस है और लायंस ने वह किया, इसलिए मैं लायंस का अभिनंदन करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम में महापौर दयाशंकर तिवारी, राधे मोहजी भोसले, पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंग व अन्य मान्यवर उपस्थित थे, जिनके हाथों लोगों को सम्मानित किया गया। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।